तगड़ी कॉल चल रही है इधर, बहुत तगड़ी कॉल चल रही है इधर। ये सब भी बाहर खड़े हैं, देखो चुप रहे दो मिनट। ये पीछे हमारा टिकाला है पूरा, और यही एकदम बाहर ही, यही अंदर टाइगर है, 100% कन्फर्म्ड। टाइगर दिख गया, टाइगर दिख गया, टाइगर दिख गया। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह, बाहर आ गया। ओह माय गॉड, फैन ऑफ ट्रैवल कॉन्टेंट एंड यू लाइक फन फैमिली वीडियोज, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे पता नहीं, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, हमारी नींद एकदम खुली और ये इतनी तो बारिश बंद होगी, लाइट भी गई बाहर, ये लाइट चली गई बाहर यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, एक बार आवाज सुनो सिर्फ अब। अभी 12 भी नहीं बजे हैं, ये देखो बिजली जो कड़की बाहर, हमारी सुबह की सफारी है और पता नहीं क्या होने वाला है, सीन कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं है अब तो, बिल्कुल पूरा ब्लैकआउट हो गया यार। ये बिजली की आवाज़ सुन रहे हैं, क्या हो गया हाल, तो एकदम से मौसम पलट गया यार। मैं दिखाऊं कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ, आई नो आपको एकदम से ब्लैक ही दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, कुछ और दिख नहीं रहा, बट यही है भाई दिखाने को, ब्लैक, दैट्स इट। मोबाइल की मैंने भी टॉर्च जलाई हुई है क्योंकि मेरी नींद एकदम से खुली ना, क्योंकि इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, और अभी शायद थोड़ा सा लग रहा कम हुई है, अभी नहीं कड़क रही है और बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है, बट हमारे को लगा केशवी को भी और मुझे भी, ये शायद 3-4 बज रहे होंगे और 12 भी नहीं बजे थे अभी, मतलब 11:55 हो रहा था अभी, और भाई इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़, कल रात को नामो निशान नहीं था और ऐसा 1% नहीं लग रहा था कहीं से कि बारिश होगी यहाँ पर। तो यार जंगल का मौसम ऐसे एकदम से बदल जाता है, आपको पता भी नहीं, अब पता नहीं मेरी सफारी का क्या होगा, आई डोंट नो। सुबह 6 बजे की थी, अभी 6 घंटे हैं, अभी उठेंगे तो सही हम, बाकी देखते हैं उस टाइप पर क्या सीन है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें सफारी होगी क्योंकि इसमें खतरा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ढिकाला वैसे भी ग्रासलैंड एरिया है, यहाँ पानी बहुत जल्दी भरता है, बाकी लेट्स सी, सुबह ही पता चलेगा क्या सीन है। तो अभी रखते हैं यार, कैमरा वगैरह रखता हूँ, देखते हूँ, लेटता हूँ वापस, सोते हैं और सुबह जो होगा फिर आपको बताता हूँ। अभी लाइट वापस आ गई है, अभी 6 बज गए हैं, अभी पता नहीं आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ब्लू हो रहा है, तो सन आने वाला है बाहर, बारिश नहीं है, वही रात को जो हुई थी ना 1-1.5 घंटा वही हुई थी, अगर देखोगे वहाँ से अब सन भी आने वाला है और सफारी होगी, दैट्स अ गुड न्यूज, सफारी होगी। तो उन्होंने भी हमारे को ये बताया कि भाई चाहे बारिश हो भी रही होती ना अभी, तब भी सफारी होती। बट भाई पंगा ये है कि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, और हमारे पास वैसी जैकेट्स वैकेट्स हम लाए नहीं, सिर्फ यही है मेरे पास, तो हमारी तो भाई हालत ख़राब होने वाली है सफारी में, भाई पता नहीं क्या होगा, बट जो भी है जाएंगे, बट ठंड ना लग जाए यार, बट दैट्स ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखो यार क्या जगह है, यार क्या जगह है वहाँ सामने, क्योंकि पानी है ना तो सारे उसमें फॉग है या बादल अटके हैं, पता नहीं फॉग ही होगी, उसे बादल नहीं अटक सकते, और ऐसे व्यू के साथ अगर मिल जाए अपने को चाय तो और क्या चाहिए भाई। हाँ जी, बारिश करा दी, हाँ बता, इतनी बारिश हुई है बिन मौसम। साथ में अपना ना ये बन बटर बना के लाए हुए थे, तो हम ये खाएंगे चाय का, तो फटाफट चलते हैं, 6:30 हो गए। ये हमारे पास सब लाए थे घर से, जैसे ये जो ठाकुर साहब की लोई है ना, ये तो सब था हमारे पास, बट हमारे को दिक्कत अभी होती है कि हमारे पास सफिशिएंट कपड़े नहीं, जैसे मैंने बताया, बट इन्होंने हमारे को ना अपनी ये दे दी है ये लपेटने के लिए, थोड़ी ब्लैंकेट टाइप की, तो मैंने कहा चलो बढ़िया कुछ तो हो जाएगा ना अब सही। भाई इस टाइम पे चाय मिल जाए ऐसे डर जगह पे ना, और साथ में अपना बन मस्का, मस्का क्या ना, मेरे भी दिमाग में मस्का चढ़ गया ऐश्वी के चक्कर में, बन बटर होता है, मस्का होता है वो फीलिंग है, नहीं बन मस्का इज अ फीलिंग, फीलिंग तो बम मस्का है। हमारा साहब मसूरी में हुआ था एक जगह, हमने लिया वहाँ लिखा था बन मस्का को, बन मक्खन को बम मक्खन। भैया आप यहीं पे होते हो ये? अच्छा एक बात बताओ ना, यहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि अंदर आ गया हो? अंदर तो नहीं आता सर, जब से ये फैंस हुआ है। फैंस कभी भी नहीं आया अंदर? नहीं। अच्छा जब फैंस नहीं था तब आता था। फैंस कब नहीं था? ऐसा भी था कि फैंस नहीं था? हाँ बहुत पहले सर, अभी
अच्छा इतनी पहले की बात कर रहे हो आप? जी। ओह तो मतलब सेफ है सब एकदम, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि आ जाता था अंदर। अरे मैंने ये नहीं कहा था अंदर, अरे उधर से गेट खुला हुआ था ना तो। हाँ जब गेट खुला हो तब आ जाएगा ना, क्योंकि गेट जो है ना इनके खुल जाते हैं यार। ये जो मैंने ये कहा था जो कैंटीन के नीचे यहाँ पे रिवर साइड है यहाँ तक आया हुआ, यहाँ तो यार पीछे जंगल ही है पूरा, तो वहाँ तो आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि गेट्स जो होंगे ना इस कॉम्प्लेक्स के वो खुले रहते हैं, जब शाम को बंद करते हैं सफारी के बआद, तब तक तो कोई भी अंदर आता है, हिरन हिरुंद आ ही जाते हैं। कल रात को ईश्वर में यहाँ सामने खड़े हुए थे और यहाँ से हमारे फॉक्स वगैरह भाग रही थी अंदर। भाई इन इलेक्ट्रिक फेंसेस का भी छूना मत, वैसे ऐसा भी इसमें झटका नहीं होता कि करंट लग जाएगा इतनी बुरी तरह और मर ही जाओगे, क्योंकि जानवर भी अगर इस पर टच हो जाए ना तो वो ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ एकदम से एक शॉक लगता है एकदम से और वो भाग जाते हैं डर के। तो इसी के लिए फेंसेस हैं, ऐसा भी इसमें करंट नहीं होता कि बंदा यहीं पर चपक ही जाए। बट यार अभी नीचे को दिख नहीं रहा, बट अगर आप यहाँ हो गए ना कोई ऐसे जानवर दिख जाते हैं। हमारे कल यहीं डियर वियर घूमते हुए सब प्रॉपर दिख रहे थे यार। ये अपना कॉम्प्लेक्स है भाई, ये शीत एकदम वो बनी हुई है कि अभी बस उपले चिपका देगी दीवार पे। और सोलर पावर्ड है तो ये भी अच्छी बात है भाई कि लाइट की दिक्कत नहीं होती है, कि अगर लाइट कट भी जाए ना तो आपके पास सोलर बैकअप रहता है ऑलवेज। ऑलमोस्ट सफारी चली गई है। सो रुपये सर हमारी रह गई क्या? हाँ जी हमी रह गए। अरे सरताज भाई, सरताज भाई सबको पता है कि हमारे साथ पिछली बार भी गए थे। और सरताज भाई वैसे आपने कितने कॉल आ जाते हैं आपको? कॉल तो आती रहती है, आती रहती है ना। बहुत लोगों ने नंबर लिया आपका बहुत। बट सुनो भाई एक बात बताओ, अभी जैसे बारिश होगी तो अब चांसेस का क्या सीन रहता है टाइगर की? चांसेस तो सर पूरा है। अच्छा है, रहता है पूरा इसमें? हाँ, क्योंकि टाइगर टेरिटरी मार्क करने के लिए आ सकता है। चले फिर। बिल्कुल सर, वैसे हम लेट हैं। चलो भाई कर ले। चलो जी। अरे सर बिजली इतनी तेज कड़क रही थी, हमारी तो नींद खुल गई उसी टाइम। बाहर देखा जब तक देख रहे लाइट चली गई उतने में। अभी कोहरा बहुत ज्यादा है यार, बस यही है, हट जाएगा ऐसा अभी, क्योंकि वहां से सनराइज हो रहा है तो बढ़िया। और अभी अभी सोनू भाई ने बताया है कि पीछे इस तरफ जो है अभी कॉल हो रही थी, चीतल की कॉल थी ना, चीतल की कॉल चल रही थी और टाइगर की आवाजें भी आ रही थी ग्रासलैंड से। होपिंग फॉर द बेस्ट, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत प्यारा सनराइज हो रहा है इधर, अभी थोड़ी देर में पूरा धूप हो जाएगी ना तो इतनी फॉग दिख रही है ऊपर ग्रासलैंड के, सारी एकदम से छट जाती है। या तो हो सकता है दोबारा वापसी आएगा, या से पीछे फिर उधर निकल सकता है। चांस ज्यादातर है कि इधर कॉल हुई है, कॉल है, प्रॉपर कॉल हुई है। कहाँ पे है? पीछे उस तरफ, वहीं पे वेट कर रहे हैं अभी। बट ये कॉल उधर प्रॉपर कॉल चल रही है उधर। चीतल पीछे को चला गया है, चीतल बोल रहा है उधर। चल रही है तगड़ी कॉल, चल रही है मूवमेंट उधर, चल रहा है वो। चलो कॉल तो हुई एटलीस्ट, जंगल में हलचल तो हुई कुछ। चलो जी लेट्स सी, बाहर आएगा तो ही दिखेगा। ग्रासलैंड में भी चल रहा होगा तब भी कॉल होती है, बाहर आ जाए मजा आ जाएगा यार। आजा हिरन तो बाहर ही खड़े हैं, ये सब बाहर आ गए हैं। बहुत तगड़ी कॉल चल रही है इधर, बहुत तगड़ी कॉल चल रही है इधर, ये सब भी बाहर खड़े हैं। देखो कांस्टेंट कॉल चल रही है, कांस्टेंट। बैठ गया इधर, बट इसी एरिया में है अभी, चेक तो करना पड़ेगा प्रॉपरली। वो दिए ना ये अलार्म दे दिए, लेकिन या तो भाग इस तरफ। वही वो कह रहे हैं कि ना कॉल इधर से आ रही है बट देन इस तरफ हो सकता है, क्योंकि जितने भी हिरन थे ना वो सारे कॉन्स्टेंटली इस तरफ ही देख रहे थे और वहीं देख के कर रहे थे। बट सर हिरन जो खड़े थे वो तो इसी तरफ चले गए थे ना, ये वाला डियर कॉन्स्टेंटली वो देखो ना इधर देख रहा है हीरा। पैर भी मार रहा है वो नीचे। अच्छा पैर मार रहा है नीचे, इधर देख कर वो।
जस्ट चेक आउट दिस व्यू, माय गॉड क्या लग रहा है ये, क्या फ्रेम है ये। सुबह तो अलग ही ब्यूटी है भाई, सुबह अलग ही ब्यूटी एकदम। ठाकुर 2.0, ठाकुर आइन ठाकुर की बीवी। मैंने कहा ठाकुर 2.0 कह रही है, ठाकुर आइन। टाइगर दिख गया। ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। यहाँ आएगा। या पीछे कर लो, पीछे बैठो। गाड़ी तो नहीं है सर? नहीं, कुछ नहीं है भैया, कोई गाड़ी नहीं। क्यूट, इन्हीं झाड़ियों में अंदर अब देखते हैं यार। ब्यूटिफुल, क्रॉस करेगा यहाँ से, तो गैप बना रहे हैं सब। मेल टाइगर है ये, उन बच्चों में है भैया। ब्यूटी, वो जा रहा अंदर, वो अंदर जा रहा। क्या बात है सर, अभी लेकर आए, इसी तरफ हम बाय चांस आए अंदर। क्या बात है सर, अभी भाग के ना हम इसके दूसरी साइड जा रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉस करके यहाँ से गया है। सो इसलिए वहाँ पे जाकर रुकेंगे, यहाँ से गाड़ी घुमा नहीं सकते, वन वे है। सो लेट्स सी, अगर एक और बार दर्शन दे गए तो। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था, राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड राइट पीपल एज वेल सर। ब्यूटीफुल, मतलब इतना बड़ा सामने। ऐसा नहीं था कि हम वहाँ कॉल सुनी, उसके बाद यहाँ आए और राइट जगह पे बाई चांस टाइम पे थे। मुझे से बैठा ये सीन होता है, दैट्स व्हाई वी लव वाइल्ड लाइफ, और इसीलिए हम बार बार जंगल आते हैं ये थ्रिल इस एक्सपीरियंस के लिए। जब आप पिछले, जैसे हम दो बार उसे अभी ट्राई कर रहे थे, कॉर्बेट में नहीं दिखा, थर्ड टाइम जब दिखता है उस चीज़ की मेहनत करके जब निकलता है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो सुकून है, वो किसी और चीज़ में नहीं है भाई। दैट्स व्हाई माइल चेजर्स कवर फाइव। भाग रहे हैं सब लोग उस तरफ बहुत तेज़ी से, फास्ट एंड द फ्यूरियस तो हमारा होता ही है यहाँ एक बार। बट ये है कि उसके लिए, तो भैया कह रहे हैं तो वो जाएगा यहाँ से क्रॉस करके पहाड़, उसके लिए 100 मीटर है, हमारे को पूरा पहाड़ घूम के जाना है, इसलिए तेज़ भागना ही पड़ेगा। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, हमने लास्ट ईयर भी जो डिकाला में सफारी करी थी, तो हमारे को 6 बार दिखा था एक सफारी में, ये उससे भी बढ़िया था, क्या ही बताऊँ। वो तो फिर भी ये था कि क्रॉसिंग कर करके जा रहे थे,
ये तो सामने था एकदम यार। How beautiful is this? एकदम ऐसा लग रहा हम जुरैसिक पार्क में घूम रहे हैं। बड़े बड़े पेड़, एकदम जुरैसिक पार्क वाली फीलिंग आ रही है। अभी कौन सरताज है? हाँ। हैं? सरताज भी? नहीं, उनका चेकआउट। अरे पांडे जी सर, क्या बात है? हैप्पी? सर भैया ना अभी बता रहे थे हमारे को कि उनकी गाड़ी का भी ना ब्रेक पाइप थोड़ा सा फट गया है, तो वहाँ से लीक हो रहा होगा। दिक्कत नहीं है, बट देन यार ये सोचो किस एक्सटेंट तक ये लोग जाते हैं कि हमारे को अच्छी सी साइटिंग हो जाए। मेहनत है यार ये भी एक। अब उन्होंने बताया कि शायद क्रॉस कर गया है इधर से दोबारा। नीचे वाला तो हो गया, क्रॉस कर गया ना इधर से। कॉल हो रही है अंदर। अभी पक्का पता है इसी की क्रॉस करेंगे। तो ट्रैक ही जैसे यहाँ से आप हाँ फिर इसमें आ सकता है, यहाँ से फिर आगे ही मिल सकता है। चलो एटलीस्ट दिख गया सबको, दिख गया सर, दिख गया। कल से घूम रहे हैं, हमें लगा तुम कहीं पीछे हैं, फिर आखिर में कहाँ पीछे। मैंने कहा सामने रोड चलो भैया, देखते हैं। ओ ये रहा, फिर आ गया। दर्शन है भाई, दर्शन है आज तो। अभी हम बात ही कर रहे थे कि इस रोड पे नहीं जा सकते क्या, याद है श्री? वाओ ये ना पड़ लेगा, निकलते ही देखा यार उसने। मैंने क्या था वो मैंने कहा था ना सर आप रेडी रहना, बस वही मिलेगा शॉर्ट है। अब तो क्या लोगे, क्या ठीक है यार। माय गॉड, तुम्हारे सामने चल रहा है यार, ब्यूटीफुल भाई। लव क्या चाह रहे हो सर, आपके राज में है सर वो सब। क्या चाह रहे हो चश्मे लगा लिया इतनी फुर्सत है कि कैमरा घुमा के फिर जा रहे वापस। हां बंद है कुछ कर करो इसे। अब इधर आ जा, फटाफट आ जा, जल्दी बाहर निकल के चल रहा है ना। मिट्टी सॉफ्ट हो गई है ना उधर की भी, तो उस पर चलना अच्छा लगता है। ये पलट के इधर भागता हुआ नहीं आ सकता क्या? रेस लेने वही से लेने जा रहा हूं। इसके बाद इसका कौन सा ट्रैक रहेगा? उधर जाएगा तो हम आ जाएंगे अभी फिर। ये बात अभी मतलब इसको हम चेस करेंगे अभी। और भैया मैं दिखाने के लिए भैया ने हमने ब्रेक पाइप तक तोड़ दिया है यार, भगा के लाए हैं ताकि एक और बार दी जाए। हाँ अभी भी दिख रहा है, लेकिन हम घूम के उधर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर शायद हम दोबारा क्रॉसिंग देख पाएँ इसकी। चलो हाँ यही वाला ट्रैक है जिसमें उधर खड़े थे, तो यहाँ चलता हुआ आ रहा था। अब इस तरफ आके हम वेट करने के साथ अगर क्रॉस करके इधर आए तो दोबारा देखें। अगर यहाँ से क्रॉसिंग एक और हो गई ना भाई साहब मज़ा आ जाएगा यार। आज तक बारिश हमारे लिए डिसएडवांटेज रही है, बट आज मुझे लग रहा है कि एडवांटेज था आज बारिश से हमारे को, क्योंकि अंदर की तरफ सारा गीला हो जाता ना तो टाइगर ट्रैक पे ही चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी साइडिंग हो रही है। अंदर की तरफ ग्रासलैंड में जा नहीं रहे ज़्यादा, अंदर गीला है ज़्यादा। सो दोबारा से कॉल शुरू होगी उधर से, तो इसी तरफ आ रहा है ये कन्फर्म्ड है। पता नहीं आपको सुनाई दे रही है कॉल के नहीं, बट प्रॉपर कॉल चल रही है अब जीतल की। प्रॉपर वॉक कर रहा है। तो वहाँ से भैया ने बताया कि टाइगर आ रहा है, उनको शायद वहाँ दिख रहा है, रोड बाय रोड कह रहे हैं आ रहा है। लेट्स सी। मेरे को प्रॉपर दिखा अभी, कुछ लोगों को दिखा जो मैं भी उनमें था, अंदर दूर था बट अंदर कट गया थोड़ा सा, तो रोड पे चल के आ रहा था बट अब अंदर हो गया है। बाकी लेट्स सी अभी आता है बाहर, अगर यहाँ पर पहले था बट थोड़ा अंदर गया था तो लग रहा है यहाँ पर भी, यहाँ से टाइगर के रोर की आवाज़ आ रही है। टाइगर बोल रहा है अंदर, आवाज़ तो आई है अभी दो तीन बार। सो वी आर होपिंग कि अगर अंदर गया है तो हो सकता है सामने से क्रॉस कर जाए। ऑलमोस्ट एक घंटा वेट करा हमने इधर, उसके बाद हमने आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ही जाएगा वो भी। ग्रास लैंड है भाई, शान है भाई ग्रास लैंड ना, एकदम निगाला की शान है। इससे ज़्यादा सुंदर रूट आपको कॉर्बेट में कहीं नहीं मिलेगा जितना सुंदर आपको ग्रास लैंड मिलेगा ना। अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल चीज़ है ये, लुक एट दैट। दूर दूर
काफ़ी तक फैला था और सामने रिवर और वो सामने हर्ड्स खड़े रहते हैं डियर के, हाथी के, अलग लेवल की ब्यूटी है ये। गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो लेट्स सी यार, एरिया तो टायर गैस के और भी है ना, कहीं पर भी निकल सकता है, यू नेवर नो, तो चेक करना इम्पोर्टेंट है। तो अरे पता चला कि यहाँ पे दिखाई दिया था, वहाँ एक गाड़ी खड़ी है, उनको दिखाया यहाँ पर भी। माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल। क्या सुंदर है यार, दिस प्लेस मैन। वो रहा एलिफेंट, वो रहे, वो एलिफेंट खड़ा है उधर। तो ये सामने गाड़ी खड़ी ना, इनको दिखा है। यार क्या जगह है, क्या जगह है ये प्रॉपर। अब ये प्रॉपर जुरैसिक पार्क जैसा फील दे रहा है ना, कि बस अभी टाइगर नहीं, ऐसे डायनासोर ही निकलेगा जैसे। ब्यूटी, अरे पांडे जी भी अरे। जब मारी पता यही है, टाइगर है, अंदर निकलेगा बाहर तो। अच्छा इधर ही है सामने कहीं। अरे चीतल के हर्ड्स हैं, बच्चा है वो तो छोटे। क्या सुंदर हर्ड्स हैं यार, मतलब दूर है, कैमरे में नहीं ज़्यादा पता चलता है, बट बहुत नेकेड ऐसा देखो ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये रे हाथी घूम रहे। यशवी तेरे दोस्त प्यारे हैं ना, देखो कितने क्यूट है, हंस रहा है वो। हंस रही है, हथनी है वो। उधर भी है, इनको तो सामने बैठा हुआ दिख जाता होगा ना, नीचे नीचे ही। मज़ेदार। तो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गए हैं जब बाकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। हम वो लोग वहाँ रिस्क पे गए थे कि यहाँ वाला ना बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ अभी तक बोल रहा है अंदर टाइगर, अभी तक आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। तो वापस यहीं पर खड़े हो गए कि शायद क्रॉस कर ही जाए। भाई एक चीज़ तो पक्की है, टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारा सवारी से पिछली कुछ नहीं, अब दिखा, उसके पहले हम रणथंबोर थे वहाँ कुछ नहीं दिखा, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी भाई। और दूसरी चीज़ ये कि पेशेंस गेम स्ट्रांग होनी चाहिए। हम एक घंटे से ऊपर हो गए हैं खड़े हैं, वो यही नहीं हुआ, नहीं ये कॉल नहीं थी, ये कॉल नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है यार कि अगर आप ऐसी जगह पर आते हो ना, तो आपको बार बार आना पड़ता है। जितना टाइम आप दोगे ना जंगल को, उतना टाइम जंगल आपको देगा। तो कहने का मतलब ये है कि चांस हमेशा रहता है, उम्मीद मत छोड़ो, लगे रहो भाई। जब दिखेगा ना, जिसने अगर नहीं देखा है उनको दिखा जब, तो चस्का लगता है उसका, फिर नहीं छूटता चस्का। तो भैया ने हमारे को बहुत सही बात बताई भी, क्योंकि मुझे अभी तक भैया लग रहा था कि बारिश हो जाए ना तो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं टाइगर के, बट जो आप बता रहे थे वो बात एक्चुअली अपील करी है। एक बार बताओगे क्या था एक बार? जैसे बारिश होने से पहले जो उसकी मार्किंग की होती है सर, तो बारिश होने के बाद वो मार्किंग धुल जाती है, तो उसे दोबारा से मार्किंग करने के लिए निकलना होता है। जी मार्किंग के लिए दोबारा निकलता है, तो बारिश जो है एक तरह से ब्लेसिंग है। तो मेरा ये व्यू आज चेंज हो गया है। सैंड मार्किंग होती है, यूरिन स्प्रे होता है, तो जो उसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है बारिश होने के बाद, इसलिए उसे फिर से बाहर निकलना होता है। हर मोड़ के साथ यार डिफरेंट एकदम दिखता है, अलग नज़ारे हर मोड़। ये वाला सारा अपने पिछले जो मैंने सभी सफारी करी थी उसमें मैंने सारा कवर करा हुआ था, तो उसमें हमने काफ़ी घूमे हैं जगह पर। अगर नहीं देखे तो वाले ब्लॉग्स जाकर देखो पिछली सफारीज वाले, बहुत सुंदर है यार ये जगह। अच्छा, चार घंटे का टाइम है ना, चार घंटे तो बंदर उसके बाद वापस आ जाओ। हाँ सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक, उसके बाद 2 से 6, उसके बीच में आप बाहर नहीं रुक सकते हो, आपको उसके बाद अंदर जाना ही। जैसे अब हम वापस जा रहे हैं, सक्सेसफुल सफारी, अभी ऑलमोस्ट 10:20 हो गया है, बट अब धीरे धीरे चलेंगे निकाला वापस, और उसके बाद अपना चेकआउट करके बाहर। हमारे रूम्स उधर है आगे जाके, तो पूरा एंड में आगे लगा रहे हैं हम, ताकि जितना आगे आ पाए। तो सुनो भैया थैंक यू सो मच,
मतलब सफल हो गई आज तो सफारी, दो दिन से लगे हुए थे, पिछली दो सफारी में कुछ नहीं है, आज बढ़िया मिला। एक तो पहले मैं बता दूँ, जो अपने सोनू भाई हैं इनका भी इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस डालते रहते हैं टाइगर्स की, क्योंकि यहाँ पे इनका तो घूमना रहता है, लगा ही रहता है। तो एक बार बता दो कि अपना पेज का नाम क्या है आपके? फेसबुक पे सोनू रावत जिम कॉर्बेट सफारी के नाम से, और इंस्टाग्राम में सोनू रावत 306। सोनू रावत 306 इंस्टाग्राम पर भी है, तो जाके प्लीज़ उन्हें फॉलो करो, और फेसबुक पर जाके करना है, इंस्टाग्राम पर भी कर लेना आपको अगर देखनी है, क्योंकि मैंने इनके देखे हैं गज़ब डालते हैं। तो फिर सोनू भाई अभी बस आते हैं चेंज वेंज करके, फिर निकलते हैं बाहर, 11:30 तक मिलते हैं, 11:30 साढ़े ग्यारह एक घंटा अभी हो जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।